हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके आलू पालक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलू पालक बनाने के सबसे पहले आलू लेना है, हरी मिर्ची लेनी है, पालक धो के ही काट के तैयार कर लेना है। अब फिर कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। अब इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ऐड हो चुकी है। अब हरी मिर्ची के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। उसके बाद इसमें चम्मच हल्दी, आधी मतलब थोड़ा सा हल्दी, एक चम्मच नमक करेंगे। हल्दी और नमक मैंने ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें पालक ऐड करेंगे। अब पालक इसमें ऐड हो चुका है। अब इसे अच्छे से बफर से चला लेंगे। देखिए इसको अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब ये मिक्स हो चुका है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए ढक कर के रख देंगे। फिर अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ये पानी ऐड हो चुका है। पानी ऐड करने के बाद इसको चला लेंगे। और फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये अच्छे से हिला लिया। अब मसाले चला लेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ। फिर उसके बाद इन्हें मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो गए हैं। उसके बाद अब इसमें कटा हुआ टमाटर और धनिया डालेंगे। जब ये पक जाए तो इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अब ये टमाटर इसमें ऐड हो चुका है। देखिए कितना डिलीशियस लुक आ रहा है इसका। कितनी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो गई है हमारी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। खाने में भी टेस्टी एंड डिलीशियस। और ये रेसिपी आप सभी ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बन गई है। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। पहले धनिया से गार्निश कर लीजिए। अब मैं भी इसे धनिया से गार्निश कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करेंगे। खा के मज़े करेंगे।